Hello, my name is Ayushi Jain Bansal and I am very happy to take part in this contest which is in association with Yum Plate with Foodies and Asahi Kasahi. So, aaj main jo recipe bana rahi hu wo chef Parth Bharti ki hai which is paratha tacos and mera ek reason tha usse choose karne ka because currently main ek healthy journey par hu. तो जब हमारे पास ये फ्राइंग पैन फॉइल है जो कि नो ऑयल फॉइल है, इसमें हम कुछ भी बना सकते हैं बिना किसी ऑयल के यूज़ के, तो मैंने सोचा जब ये इतनी हेल्दी आइटम मेरे पास है तो क्यों ना मैं कोई ऐसे शेफ़ की रेसिपी चूज़ करूँ जो कम्प्लीटली हेल्दी हो. तो मुझे शेफ़ पार्थ भारती की रेसिपी काफ़ी अपील करी बिकॉज़ उसमें हम गेहूँ के पराठे से टाकोस बनाएंगे और उसके अंदर हम एक अच्छी चटपटी पनीर की स्टफिंग भरेंगे और इसीलिए मुझे ये रेसिपी बहुत पसंद आई. सो कम्प्लीटली हेल्दी फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड, सो दिस वाज द मेन रीज़न. और उसके अंदर हमने अपनी ये कुकिंग शीट असही कसही की ये जो कुकिंग शीट है ये हमने उसमें यूज़ करी है. हमने फ्राइंग पैन ऑयल पे टाकोस सेके हैं. सो दिस इज़ एन अमेजिंग प्रोडक्ट. ये दोनों ही प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और इसका प्रीमियम रैप भी बहुत अमेजिंग है. आई वॉज अनफॉर्चुनेट मुझे ऑनलाइन अवेलेबल नहीं हुआ, इतनी डिमांड है कि वो ऑलवेज आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है, बट डेफिनेटली मैंने उसे विशलिस्ट में डाल रखा है. जैसे ही नेक्स्ट आने वाला है आई एम गोइंग टू परचेज बिकॉज ये जापनीज टेक्निक के साथ बने हुए प्रोडक्ट्स हैं एंड बिलीव मी बहुत ही मैजिकल है. मैंने आज सुबह इससे नॉर्मल पराठे भी बनाए, मज़ा आ गया बनाकर. तो मुझे लगता है आपको भी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए. तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी. तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपने टाकोस की स्टफिंग जो कि पनीर की होने वाली है. तो मैंने यहाँ 2 कप के अराउंड पनीर लिया है, डाइस कर लिया है. देन मैंने कैप्सिकम ली है, 1 बड़ा टमाटर लिया है, हरा पत्ता लिया है धनिए का, और फ्रेशनेस के लिए ली है मिंट लीव्स, और यहाँ मैंने लिए हैं कुछ मशरूम्स और 1 छोटी प्याज. बाकी आप कोई भी सब्ज़ी ले सकते हो. देन गाढ़ा दही यानी हंकर्ड, थोड़ा सा चाट मसाला. देन ये शेज़वान सॉस ली है फॉर दैट नाइस स्पाइसीनेस, तो ये नॉर्मल चिंग्स वाली ली है. एंड देन नमक. अब एक बड़े मिक्सिंग बोल में हम ये सारी चीज़ें एक साथ डाल लेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे. तो इन सब्जियों में मैं अब डाल रही हूँ शेज़वान सॉस जो चिंग्स वाली दिखाई थी, देन हंकर्ड, देन चाट मसाला एंड सॉल्ट. अब इसको हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है सो दैट एक एक वेजिटेबल पर मेरा अच्छे से कर्ड चढ़ जाए, इसमें सारे फ्लेवर्स आ जाएं. अब इसको हमें छोड़ना होता है तो रेफ्रिजरेट कर सकते हैं हम इसे फॉर मिनिमम 15 मिनट्स. आप ज़्यादा रखेंगे तो और अच्छी बात है. तो 15 मिनट के बाद ये अच्छे से सेट हो गया है. अब ये मैंने कुकिंग शीट ली है असही कसे की, तो ये बेकिंग शीट के नाम से भी जानी जाती है. बहुत इजीली ये आपके रोल से निकल जाती है. इसका कटर इतना अमेजिंग है, एकदम हैसल फ्री है, आपकी बेकिंग शीट निकलती है. तो ये जो सॉल्यूशन हमने बनाया है ये हम इस शीट पर डालेंगे और अवन में इसको बेक करेंगे सो दैट हमारी जो सब्जियां हैं उनका रॉनेस फिनिश हो जाए और बहुत अच्छे से हमारी सब्जियां बेक हो जाएं. सो लाइक अ पॉकेट मैं यहाँ इसका बना रही हूँ, इसको एक टाइप से सील कर रही हूँ और इसको मैं अवन में रख दूँगी फॉर 10 मिनट्स एट 180 डिग्रीज. अवन मैंने 5 मिनट्स के लिए प्रीहीट कर लिया था. तो आप देखेंगे इसमें से कुछ भी लिक्विड बाहर नहीं आएगा. तो अब ये एक लोई ली है मैंने, आटे की, नॉर्मल आटे की लोई है. इसको छोटी पूड़ी साइज़ की हम इसको बेल लेंगे. थोड़ा सा हम सूखा आटा भी लगा सकते हैं इसमें. और अब हमें इसका बनाना है लच्छा पराठा. तो पूरी साइज़ का ये लच्छा पराठा बनेगा. तो लच्छा पराठे में अंदर घी जाता है तो यहाँ हम थोड़ा सा घी लगाएंगे, लेकिन जब सेकेंगे तो नो ऑयल कुकिंग होगी हमारे असही कसाई के प्रोडक्ट पर. तो ये मैं अंदर थोड़ा सा घी ब्रश किया है. अब इसे हम प्लीट्स बनाएंगे, जैसे एक फ़ैन बनाते हैं हम पेपर का, उस तरीके से हम इसको प्लीट करते चले जाएंगे. एंड देन इस तरीके से हम इसको प्रेस करेंगे लाइटली और एक तरफ से हम इसको रोल करते हुए चले जाएंगे टिल द अदर एंड. सो जस्ट फॉलो जिस तरीके से मैं यहाँ दिखा रही हूँ. अब बस थोड़ा सा सूखा आटा मैं इस पर लगाऊंगी और इसको लाइट हैंड्स के साथ हम इसको गोल गोल बेल लेंगे. जैसे नॉर्मली हम बेलते हैं इसको वैसे ही हम बेल लेंगे. तो ये पराठा मेरा बिल्कुल तैयार है. तो इसे अब हम लोहे के तवे पर सेकेंगे, लेकिन मैंने इस तवे पर लगाई है असही कसही की फ्राइंग पैन फॉइल जो कि विदाउट एनी ऑयल आपका इस पराठे को सेक देगी बिकॉज इसकी जो बेस है उस पर सिलिकॉन कोटिंग है. तो अब आप खुद देखेंगे कि ये कितने मज़े से यहाँ सिक रही है बिना किसी ऑयल के, बिना किसी घी के. आप देखो कितनी अच्छी चित्तियाँ आई हैं इस रोटी पर.
और ये मैंने साइड में थोड़ी सी स्पेस बना के दूसरा भी रख दिया सो दैट टाइम सेव हो। बस इसी तरीके से पलट पलट कर हमारा लच्छा पराठा बिल्कुल तैयार है, ऑयल फ्री, एंड दैट्स इट। इसको हम थोड़ा सा टाकोस की शेप में थोड़ा सा इसको फोल्ड कर देंगे तो आपका टाको एकदम रेडी है। मैं यूजुअली जो बेकिंग ट्रे होती है मैं उसमें इस तरीके से लगा के छोड़ देती हूँ तो ये थोड़ा सा शेप होल्ड कर लेता है, आप करना चाहे तो कर सकते हैं। तो अब यह हमारा पनीर भी यहाँ अच्छे से बेक हो गया, एकदम स्टफिंग एकदम मस्त हो गई है। आप देख सकते हैं हमारी शीट एकदम ख़राब नहीं हुई है। तो ये जो टाकोस हमने बनाए थे इसके अंदर हम अपनी स्टफिंग को फिल कर देंगे एंड यू कैन एन्जॉय इट। तो आप इसको अपनी किसी भी डिप के साथ खा सकते हैं। मैं आपको यहाँ एक बड़ी क्विक और छोटी इजी सी डिप बनाकर दिखाती हूँ जिसके साथ आप टाकोस को एन्जॉय कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ली है हॉट एंड स्वीट केचप, यानी कि ये तीखी भी है और थोड़ी मीठी भी है, और इसको मैंने मेयोनीज में मिक्स कर दिया है। और साथ में मैं यहाँ डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑरेंज कलर ताकि मेरा कलर आ जाए। आपकी चॉइस, आप कितना कलर डालो या नहीं भी डालो। तो बस आपकी डिप तैयार है और आपके टाकोस भी तैयार हैं। सो जस्ट इन्जॉय इट विद द अमेजिंग डिप। तो ये है मेरी रेसिपी, आई होप आप लोगों को दिख रही है। तो ये है मेरे पराठा टाकोस और आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट एंड आई जस्ट कांट वेट टू ईट दिस। सो आप भी जरूर ट्राई कीजिए एंड सुपर प्रोडक्ट्स असही कसही, आई एम लाइक योर परमानेंट बायर नाउ एंड थैंक यू यंग प्लेट ऑफ फूडीज फॉर दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। ऑल द एडमिन्स एंड मॉडरेटर्स, यू रॉक।